टोटल अमाउंट 40 लाख खर्च हुआ था। पकड़ना पड़ेगा यार, ये हिल रहा है। तो असम सरकार ने फिलहाल ही इस ब्रिज को बनाया, नहीं फेंक रहा। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं जा रहा हूँ वरा विलेज, जो जागुन दस में से थोड़े ही आगे। वरा एक छोटा सा गांव है जो 1965 में इस्टेब्लिश किया था। इसे गांव को एक नाम दिया गया था, वरा नाम। सो उस वक्त वहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते थे, बट अभी काफ़ी कुछ चेंजेस हो चुका है और वहाँ पर हैंगिंग ब्रिज भी है। सो वो सभी मैं चीज़ें एक्सप्लोर करने वाला हूँ इस ब्लॉग में, तो बने रहे वीडियो में, लेट्स गो। तो ये है जागुन 6 मील रामपुर गांव। यहाँ पर मेरा दोस्त रहता है जो अभी मेरे साथ जा रहा है। सब मेन रोड आ गया, अभी हम लोग यहाँ से सीधा जाएंगे 10 मील की ओर। सो ये है जागुन बाज़ार। यहाँ पर आपको सस्ते दामों में जितने भी सारे वेजिटेबल्स के आइटम्स है वो सभी आपको मिलेंगे यहाँ पर सस्ते दामों पर। सो यहाँ से जाएगा म्यो और यहाँ से जाएगा राइट साइड पे जो रोड है वो जाएगा जयरामपुर। तो हम लोग जयरामपुर की साइड और जा रहे हैं ना। जयरामपुर सो वारा विलेज जो है वो जयरामपुर साइड पर है। अगर आप जब कभी भी आए इस पर, तो आपको 10 मील की ओर आना होगा। ये है जागुन का सबसे बड़ा लॉर्ड बुद्ध का टेम्पल, ट्रेलिंग गुम्बा। ये 10 मील है। सो अभी हम लोग कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं वरा प्लेस। अभी मैंने आपको जितनी भी सारी चीज़ों के बारे में बताया वो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जब आप कभी भी वरा विलेज जाएंगे तो आपको दिक्कत ना हो वहाँ तक पहुँचने में। तो इसीलिए मैंने आपको बताया ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि आप आसानी से वहाँ तक पहुँचे। हाँ, ये क्या आसाम है? ये तो आसाम है, अभी हम लोग जा रहे हैं वो आसाम है। वारा जो आसाम है, यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं लॉन्ग ड्राइव। हाँ, लॉन्ग ड्राइव फंक्शन पास जो फेस्टिवल होता है ना, ये यही रोड होते जाता है। आगे है जयरामपुर से आगे नामपुर पे होता है फंक्शन पास इंटरनेशनल फेस्टिवल, वर्ल्ड इंटरनेशनल फेस्टिवल। जो फेस्टिवल है वो तो इंटरनेशनल फेस्टिवल है ना। तो क्या अभी हम लोग इस रास्ते से होके जाएगा? ये अभी हम लोग ये जयरामपुर ये सीधा चला जाता है, ये रोड होगा जयरामपुर। हाँ, अभी हम लोग इधर राइट टर्न लेना पड़ता है। ये बोर्ड पे लिखा हुआ है हैंगिंग वे टू हैंगिंग ब्रिज एट वरा विलेज। देख सकते हो यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है वे टू हैंगिंग ब्रिज एट वरा विलेज, यानी कि जो हैंगिंग ब्रिज है वो वरा विलेज में है, वरा गाँव में। अगर आपको आना है तो आपको भी इसी बोट के डायरेक्शन के हिसाब से आपको राइट साइड की ओर जाना है। सो हम भी जा रहे हैं अभी। रास्ता बहुत खराब है, अभी अभी खराब है ना। फिलहाल बारिश दिया था ना, कल तो भी बारिश दिया था, इसलिए रास्ता बहुत खराब है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर कल बारिश हुआ था, उसी वजह से सड़क थोड़ा सा नहीं, बहुत ही खराब है, ज्यादा गाढ़ा हो गया, चलना पड़ रहा है। यहाँ पर कभी कभी एलिफेंट भी रास्ते पे आ जाता है, बहुत डेंजर जगह है, रात को तो आ नहीं सकता इस जगह पे। हाँ, रात को नहीं आ सकता, नहीं सकेगा। तो डेंजर है। हाँ,
अटकाया हुआ है यार। आप देख सकते हैं लोगों को सीन, इतना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर नज़ारा। और पार करना स्कूटी को रखना पड़ेगा भाई, बाइक गाड़ी घोड़ा कहाँ रहा। सो गाइस हम लोग पहुंच चुका है, आप यहां पर बोर्ड साइन बोर्ड लगाया हुआ देख सकते हो। सो यहां पर लिखा है वेलकम टू वरा विलेज। वरा गांव का गठन सन 1965 में किया गया। सो आज है 2022, सो यानी कि पूरे 57 इयर्स हो चुका है इस गांव का गठन किया गया। सो ये है हैंगिंग ब्रिज, झूलना ब्रिज। 2018 से शुरू किया था इस ब्रिज को बनाने और 2019 में कंप्लीट हुआ, यानी कि पूरा एक साल लगा इस ब्रिज को बनाने में। हाँ तुम लोग का भाई भी आया हुआ था क्या? चलो चले, ये क्या करेंगे, चलो चलो। अरे हिल लेगा नहीं, कुछ होगा नहीं ना, हिलता तो नहीं है ये, हिलता है तो ब्रिज है भाई। अरे भाई यार। सो गाइस मेरा दोस्त पहले जा रहा है क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। हैंगिंग ब्रिज है, काफ़ी हिल रहा है चलते वक्त। इससे पहले जैकेट उतार लेता हूँ। ब्रिज देखो भाई, साला यार कितना लंबा है ना ये भी। नहीं मैं स्क्रीनशॉट लूँगा ना, पकड़ना पड़ेगा यार, ये हिल रहा है। बाइक तो नहीं जाता ना यहाँ से, सिर्फ डर लोग दौड़ रहा है, क्यों डरता है यार। हाँ ले मैं पकड़ी, कैमरा गिर जाएगा अपने, तो देख लेना सावधानी से, पानी में गिर गया तो। आइए चलो यार, इसको थोड़ा पकड़ के जाना पड़ेगा, काफ़ी हिल रहा है। थोड़ा आगे जाएंगे, देखता हूँ क्या है आगे। इतना डरता है मेरा दोस्त, पहली बार आया है ना ये, देखो इतना हिल रहा है ब्रिज। ये सब नागा एरिया पड़ता है क्या? हाँ यहाँ से यहाँ का विलेजर लोग पार हो रहा है अभी, देखो यहाँ जो रहते हैं ट्राइब और ये क्या लिखा हुआ, पाँच जन से अधिक ज़्यादा नहीं जा सकते, नहीं सकते यार। सो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है सीधा, आप देख सकते हो पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है पाँच जन से अधिक व्यक्ति अगर यहाँ इस पुल से होकर अगर जाता है और इस और उस वक्त अगर कोई दुर्घटना होगा तो वो जिम्मेदारी खुद का होगा, सरकार का नहीं। ये जो ब्रिज है वो जागुन पंचायत द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया, कंस्ट्रक्टेड अंडर द 14th Act, और इस ब्रिज को बनाने में टोटल अमाउंट 40 लाख खर्च हुआ था, और ये आता है मार्गरेटा डेवलपमेंट ब्लॉक के अंदर। यू नो दोस्तों वरा विलेज का जो टोटल लैंड एरिया है अराउंड 139.49 हेक्टर्स, जिसमें टोटल घर है ओनली 57। यू नो दोस्तों आपको एक और बात बता दूँ, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ वरा गाँव इज़ अराउंड 276 अकॉर्डिंग टू द डाटा फ्रॉम सेंसस 2011, यानी कि 2011 के हिसाब से इस गांव का टोटल पॉपुलेशन था 276। सो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना छोटा गांव है ये वरा विलेज। सूरज ये क्या पूरा एरिया नागा एरिया है? ट्राइबल विलेज, ट्राइबल ट्राइबल विलेज है ये पूरा एरिया, ट्राइबल विलेज है। सो क्या इन लोग नाव पे चढ़ के जाएगा क्या? सो नाव है यहाँ पर रेडी, क्या मछली मर रहा है क्या? कहाँ मछली मर रहा है? सो नाव से पानी फेंक रहा है इन लोग। सो यहाँ पर जो ट्राइबल लोग हैं, यहाँ पर सरसों की खेती किया हुआ है। सो आप देख सकते हो ये खेती।
यहाँ पर कोई ऐसा दुकान नहीं जहाँ दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे लड़ाए, कुछ ऑर्डर करे खाने के आइटम्स, चाउमीन, मोमो या कोई भी डिलीशियस आइटम्स। अगर मन करे कपड़ा ख़रीदने के लिए तो कपड़े ख़रीदने का दुकान हो, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर। यहाँ के लोग काफ़ी सिंपल है। तो मेरा दोस्त ऊपर ब्रिज पर बैठा हुआ है, से हाय। हाय, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। सो मुझे बुला रहा है ऊपर, दूसरी ओर लेके जाएगा बोल रहा है। चलो भाई ऊपर चलते हैं अभी। सो दूसरी ओर जाएगा अभी हम लोग। सो इतना ऊंचा हम लोगों को ऊपर उठना पड़ेगा। सो काफ़ी खूबसूरत गांव है वारा विलेज। यहाँ पर ऑलमोस्ट क्या सभी लोग ट्राइबल्स लोग हैं। यहाँ पर अपना जीवन खेती करके ऐसे बिताते हैं। सो अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरी ओर। सो यहाँ के लोगों को पहले काफ़ी दिक्कत होता था इस पार से उस पार जाने के लिए, तो असम सरकार ने फिलहाल ही इस ब्रिज को बनाया तो उनको काफ़ी मदद मिली, काफ़ी हेल्प हुआ उन्हें। तो इसके लिए थैंक यू कहना चाहूँगा सरकार को, जिन्होंने इस ब्रिज को बनाया, मैं जिन्होंने इस ब्रिज को बनाने में काफ़ी मदद की। तो बच्चे भाई इतना तेज़ी से दौड़ रहे हैं इस ब्रिज में, देख के शौक हूँ मैं। ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो तुम लोग, देखेगा तो कितना तेज ऊपर चढ़ता है। अरे भैया बाय बाय बाय।